तो गाइज अभी सेल चल रही है भाई और लास्ट दिन में वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज्यादा लेट वीडियो बना रहे हैं। आईफोन 15 अभी मिल रहा है आप लोगों को 55,000 के अंडर, लेकिन हमने ये वाला स्मार्टफोन मंगाया था 53,000 रुपीज के आसपास, और ये हमारे दोस्त का फोन है उसके लिए ऑर्डर किया था। वैसे हमारे पास भी अपना आईफोन 15 काफी टाइम से है भाई, पिछले साल हमने लिया था और बहुत टेस्टिंग वेस्टिंग की थी। अभी रिसेंटली मैंने आईफोन 15 और 16 का कंपेरिजन भी किया था। अब इस वीडियो में बताता हूँ आज की डेट में भी क्या ये वर्थ है 2024 में, या फिर आईफोन 16 इससे ज्यादा बेटर है। तो भाई हमारे साथ में कोई स्कैम स्कूम नहीं हुआ, एकदम परफेक्टली फोन हमें मिला है। लेकिन मैं ये बोलूंगा जब भी आपके पास फोन डिलीवर होगा ना, तो आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर लेना डिलीवर पर्सन की, और मैं ये कहूंगा खुद ही अनबॉक्स करना भाई। वो लोग ना कभी कभार अनबॉक्सिंग करते हुए फोन ही गिरा देते हैं, या फिर भाई ढंग से अनबॉक्स नहीं करते, बॉक्स वॉक्स फाड़ देते हैं। और आईफोन ले रहे हो, खुद से अनबॉक्स करोगे तो भाई थोड़ी फील वील भी आएगी, नया आईफोन लिया था ना, वो सब खराब कर देते हैं ओपन बॉक्स डिलीवरी के अंदर सारी फील, क्योंकि भाई हमने तो अपने आप ही अनबॉक्स किया था, दोस्त से करवाया था। बाकी इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहीं से बाय करना भाई, हमारी थोड़ी हेल्प होती है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा भाई, जहाँ पे मैंने अर्निंग वगैरह के बारे में बात की थी, तो प्लीज यार डिस्क्रिप्शन से जरूर से इसको बाय करना यार, उससे हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, लेकिन आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ही फोन मिलेगा। अब यार सबसे पहले इसकी बिल्ड एंड डिजाइन की बात करते हैं, तो यार देखो 2024 में भी एप्पल भाई कहीं से भी पीछे नहीं है। इसके अंदर कॉन्टोर एजेस मिल जाते हैं, तो हाथ में काफी अच्छे से फिट होता है। साइड में एल्यूमिनियम वाला फ्रेम भी है, एंड बैक में भी ग्लास है जो कि मैट वाला आता है। ऐसे नहीं कि आईफोन 14 में जैसे आपको ग्लॉसी बैक मिलता था, वैसा नहीं है। दिखने में अच्छा लगता है, अभी भी डिजाइन पुराना नहीं है। एक चीज से पुराना हो गया कि डायगोनल कैमरा है, जिससे नया था उसी से पुराना हो गया, क्योंकि नए वाले आईफोन 16 में ऐसे वर्टिकल कैमरा हो गए हैं। एप्पल वाले पुराने टाइम में चले गए आईफोन 11 12 में। IP68 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस मिल जाती है, नए वाले के अंदर भी भाई बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी दिक्कत नहीं आती ऐसे पानी वानी में डाल के। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आईफोन की डिस्प्ले में ग्रीन लाइन आई, कुछ भी डैमेज हुआ आपके फोन पे, सर्विस सेंटर लेके गए, वाटर डैमेज डिटेक्ट हुआ, तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी। आउट ऑफ वारंटी भी कभी कभार ना रिपेयर हो जाते हैं, जैसे हमने अभी आईफोन 13 प्रो मैक्स की डिस्प्ले खराब हो गई थी, आउट ऑफ वारंटी ठीक कराया, एप्पल के सर्विस सेंटर के ऊपर वीडियो बनाया है। इस फोन को परचेस करने से पहले आप वो भी देख लेना भाई, थोड़ा सा चीजों के बारे में पता चल जाएगा। तो वाटर डैमेज डिटेक्ट होता है तो आपको कुछ नहीं रिपेयर करके मिलेगा, तो देखो यार बढ़िया है, उस मामले में दिक्कत नहीं है। 6.1 इंच की डिस्प्ले होती है, तो हाथ में बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट फील देता है, और इसकी एजेस कहीं से भी चुभती नहीं है, बहुत ही ज्यादा सॉलिड बिल्ड के साथ में है। फ्रंट में भी आपको सेरेमिक शील्ड की प्रोटेक्शन मिलती है, एंड बढ़िया वाला टेम्पर्ड भी हमने लगा रखा है इसके ऊपर, स्पीजन का है, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इतना महंगा फोन लेते हो ना, तो 100 रुपए वाला स्क्रीन गार्ड मत लगाया करो भाई, उससे एक्सपीरियंस खराब होता है, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं चलता ना गेमिंग में मजा आता, तो जरूर से चेकआउट करना। जो मैं अपने फोन पे यूज करता हूँ वही बता रहा हूँ। इसके केसेस के लिंक भी डाल के दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। इसका देखो वेट एंड थिकनेस भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 170 ग्राम के ऊपर ही आता है ये। वैसे इसके अंदर एक ही फिजिकल सिम आप लगा सकते हो, और एक ई सिम का सपोर्ट मिलता है, जिससे डुअल सिम आप चला सकते हो फोन को। बाकी हाँ एक चीज याद रखना कि देखो इसके अंदर कोई AI के फीचर्स नहीं आने वाले हैं, इवन की डिसम्बर अगले साल वगैरह कभी नहीं आने वाले। इन्होंने जो AI वाले फीचर्स है वो 15 प्रो सीरीज के बाद वाले फोन के अंदर दिए हैं, 15 प्रो सीरीज, 16, 16 प्रो मैक्स वगैरह। देखो एप्पल कभी भी कोई चीज करता है ना, तो भाई लॉन्ग टर्म में उसके बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। जैसे कि 16 में AI आया है, तो आने वाले सालों में और ज्यादा फीचर्स एप्पल देने वाला है। बाकी देखो मैं बताऊं तो मेरे पास भाई फोल्ड 6 वगैरह सारे लेटेस्ट स्मार्टफोन है, इतना ज्यादा कोई डेली लाइफ में AI काम नहीं आता। डिस्प्ले के ऊपर आते हैं, 6.1 इंच का एक सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले यहां पे दिया हुआ है, जो कि काफी बढ़िया डिस्प्ले है। 1000 निट्स के हाई ब्राइटनेस मोड के साथ में आता है, पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स की है। एक्जैक्टली सेम डिस्प्ले है जो कि आईफोन 16 के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, सेम ब्राइटनेस है, सेम कंटेंट देखने का मजा जो कि आईफोन 16 में आपको मिलेगा एक्जैक्टली सेम मिलेगा। डायनेमिक आइलैंड भी वैसा ही है, बेजल्स में भी कोई फर्क मेरे को देखने के लिए नहीं मिला, तो बढ़िया पंची कलर्स, डीप ब्लैक्स, कॉन्ट्रास्ट वगैरह बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। एंड स्टीरियो स्पीकर्स भी जो है वो बहुत ही बढ़िया है, इसमें भी और आईफोन 16 में भी एक्जैक्टली सेम स्पीकर्स मिलते हैं, तो बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। इसके अंदर परफॉर्मेंस भी तगड़ी है भाई, A16 का बायोनिक चिपसेट मिलता है, 4 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है। नए वाले आईफोन के अंदर इन्होंने A18 बायोनिक दिया 3 नैनोमीटर के ऊपर, लेकिन सीधा परफॉर्मेंस पे आते हैं। डे टू डे लाइफ के अंदर आपको 1 रुपए का डिफरेंस नहीं फील होने वाला। इसमें वैसे 6 GB की रैम है, नए वाले आईफोन के अंदर 8 GB की रैम है, क्योंकि AI फीचर्स के लिए मिनिमम 8 GB की रैम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप लोगों को रैम मैनेजमेंट में 1 रुपए का फर्क नहीं समझ में आने वाला भाई, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम आते हैं गेमिंग के ऊपर, तो सिमिलर सेटिंग्स जो इसमें मिलती हैं वही उसमें मिलती हैं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। नए वाले आईफोन के अंदर इन्होंने कूलिंग सिस्टम को थोड़ा इंप्रूव किया एज कम्पेयर टू दिस वन, लेकिन हीटिंग के मामले में ऑलमोस्ट सिमिलर ही हीट होते हैं। हमारे भाई हर्ष गेमर ने इसका BGMI टेस्ट वगैरह किया है 15-16 वगैरह का, तो चेकआउट करना। 60 FPS का ही सपोर्ट मिलेगा आपको गेम्स के अंदर, क्योंकि फोन की डिस्प्ले ही 60 Hz को सपोर्ट करती है भाई। 2024 में मेरे को बस इस फोन के अंदर यही एक सबसे बड़ी कमी लगती है, और यही रीजन है कि मैं इस फोन को नहीं यूज कर सकता, क्योंकि भाई मेरे को बहुत ज्यादा फर्क समझ में आता है 60 और 120 Hz के बीच में। गेम बढ़िया तरीके से खेल लोगे 60 FPS पे, एकदम बढ़िया तरीके से गेमिंग करा देगा। कोई भी गेम की बात करो, चाहे BGMI हो, जेंशन इंपैक्ट वगैरह हो गई, या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी S9 वगैरह, हमने सब खेल के देखा है। हीट वगैरह ऐसे बहुत ज्यादा ओवर हीट वगैरह नहीं करता है। काफी सारे ऐसे ट्विटर पे ना यूजर रिपोर्ट कर रहे थे कि नॉर्मल यूजर्स पे भी ना फोन वार्म हो जाता है, लेकिन ओवर हीट जैसी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कॉम्पैक्ट फोन है ना, और ऐसे भाई गर्मी बहुत ज्यादा तगड़ी पड़ती है भाई दिल्ली के अंदर, आप लोगों को पता है। आउटडोर लेके जाओगे तो अच्छे अच्छे फोन हीट होने लग जाते हैं। सेंसर की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके अंदर फेस आईडी मिल जाता है, जो कि बढ़िया तरीके से काम करता है,
कभी सोचना नहीं पड़ता। बट हाँ, अगर बाइक वगैरह पे आप यूज कर रहे हो हेलमेट हेलमेट के साथ, तब तो भाई बहुत दिक्कत हो जाती है। और टेबल पे फ्लैट रखा हो फोन तब यूज करोगे तो दिक्कत आती है। एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता ना तो मजा आ जाता भाई, जो कि देंगे नहीं है 5-10 साल तक अभी। कनेक्टिविटी के बारे में बात करो तो ब्लूटूथ 5.3, वाईफाई 6 भी मिल जाता है, एनएफसी भी इसके अंदर आता है, लेकिन वो एप्पल पे के साथ में काम करता है भाई, तो उसका हमें कोई फायदा नहीं मिलता इंडिया के अंदर। कनेक्टिविटी में दिक्कत नहीं आती, 5G भी बढ़िया चलता है, 4G भी बढ़िया चलता है, कैरियर एग्रीगेशन वगैरह को भी सपोर्ट करता है, जो वाईफाई वगैरह के ऊपर कॉलिंग वगैरह वो सब फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और कॉल ड्रॉप्स वगैरह में कभी कोई इशू हमें देखने के लिए नहीं मिले। और कॉल रिकॉर्डिंग वाला जो फीचर है वो आप लोगों को ना iOS 18 के अंदर जो आया था वो शायद से ना AI फीचर्स वगैरह के साथ में इनेबल होता है, तो वो शायद से इसके अंदर नहीं आएगा। करेक्ट कर देना मुझे अगर मैं ये चीज गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन के अंदर। अब इसके कैमरास के ऊपर आते हैं भाई, सबसे ज्यादा दीवाने लोग इसी चक्कर में है भाई, पीछे जो कैमरा का लेआउट है इसी चक्कर में तो लोग आईफोन खरीदते हैं ऐसे मिरर सेल्फीज लेने के लिए। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है, जो कि 16 के अंदर भी आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, लेकिन 16 के अंदर ना अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नया वाला डाल दिया था इन्होंने, लेकिन इसके अंदर वही पुराने वाला लेंस है अभी भी, जो कि बढ़िया तरीके से काम कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। अब मेन कैमरे की फोटोज वगैरह की बात करें ना तो यहाँ पे अच्छी फोटोज निकल के आ जाती है, चाहे आप डे लाइटिंग कंडीशन की बात करें 1x फोटोज के ऊपर। इसके अंदर इवन की 2x का पोर्ट्रेट मोड भी दिया गया है, जो कि डिजिटल है, जो मेन कैमरे को ही 48 मेगापिक्सल के क्रॉप करके 12 मेगापिक्सल की फोटोज क्लिक करता है ऐसे डिजिटली जूम करके, लेकिन वो टेलीफोटो लेंस वाली फील देती है, ब्लर वगैरह ऐसा ना टेलीफोटो लेंस जैसा देता है और बहुत ही अच्छी फोटोज लगती है। इवन अल्ट्रा वाइड की परफॉर्मेंस भी आप लोगों को अच्छी लगेगी। लो लाइटिंग कंडीशन की बात करें वहां पर भी कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, काफी बढ़िया तरीके से लाइट वगैरह को बैलेंस कर लेता है। लेकिन देखो यार, फोटोज के अंदर ना एक चीज लगेगी कि आपको ना इसकी स्किन टोन्स वगैरह शायद उतनी अच्छी ना लगे जितनी कि एंड्रॉइड फोन्स के अंदर आपको लगती है, ऐसे ब्यूटीफाई वगैरह करते हैं, ऐसे कलर्स को पंची वगैरह शो करते हैं ना एंड्रॉइड फोन्स, वैसा ही नहीं करता वो, सोशल मीडिया रेड टाइप फोटोज क्लिक करते हैं। लेकिन इसकी फोटोज ना आपको ऐसी लगेगी कि बिल्कुल उठाकर सोशल मीडिया पर डाल दो आप लोग, उसमें ऐसा लगेगा कि एडिट वेडिट करना पड़ेगा या फिर इसके मोड्स वगैरह स्विच करके भी उतना ज्यादा मजा नहीं आता। बाकी 16 के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आया था हमें, कई मामलों में बेटर भी लगा था और कई मामलों में वो बेटर था, पर बहुत मेजर फर्क कुछ भी नहीं है, 5% का फर्क नजर आएगा। लो लाइटिंग के अंदर भी भाई फोन अच्छा परफॉर्म करता है, चाहे मेन कैमरे की बात कर लें, अल्ट्रा वाइड एंगल की बात कर लें, लाइट बैलेंस वगैरह करना हो गया। 12 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है, जिसकी फोटोज वगैरह आप यहाँ पे देख लो, नॉर्मल भी और पोर्ट्रेट मोड वगैरह वाली भी, वो भी सही आती है। स्किन टोन्स आपको समझ में आया आईफोन की तभी आप फोटोज के लिए इसको कंसीडर कर रहा, नहीं तो एंड्रॉइड फोन्स बहुत बेटर इससे फोटोज निकाल के दे देते हैं फोटोज सिर्फ। लेकिन वीडियोस की जहां पे बात आती है तो भाई आईफोन हो जाता है एकदम किंग वहां पे। इसके अंदर आप 4K 60fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, फ्रंट फेसिंग कैमरा एज वेल एज रियर फेसिंग कैमरा से स्विच नहीं कर सकते सैमसंग की तरह वीडियो रिकॉर्ड करते करते फ्रंट एंड बैक कैमरा पे, लेकिन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो आप अल्ट्रा वाइड मेन कैमरा 2x वगैरह पे स्विच कर सकते हो, फ्रंट फेसिंग कैमरा में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। वीडियो की स्टेबिलाइजेशन हो गई, क्वालिटी हो गई, कलर वगैरह हो गए, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया आते हैं। एंड डायरेक्टली हम ऐसे यूट्यूब वीडियोस वगैरह में भी रिकॉर्ड कर लेते हैं भाई, अपनी प्रो सीरीज से शूट करके साइड एंगल वगैरह लेना होगा ना, बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है। फ्रंट फेसिंग कैमरा से 4K 30fps पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, किस तरीके से लाइट को बैलेंस कर रहे हैं, एकदम एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन के अंदर हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो गाइस ये वाला वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 4K 30fps पे रियर फेसिंग कैमरा से, अब हम वॉक करके देखते हैं कितना डिफरेंस हमें यहाँ पे मिलता है। एकदम स्ट्रीट लाइट्स के अंदर हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिल जाएगी कि एकदम लो लाइट में किस तरीके की वीडियो आप बना पाओगे। फ्रंट फेसिंग कैमरा से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई, शाम के 6 बजे के अराउंड का टाइम हो रहा है, तो आप देख लो किस तरीके की क्वालिटी आपको मिल रही है, स्किन टोन्स वगैरह एंड ऑल सब कुछ। और मैं आपको बाकी मूव वगैरह भी करके दिखाता हूँ, देखो पीछे स्काई है। रियर फेसिंग कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉक वगैरह करके देख लेंगे, देखो अगेंस्ट द लाइट हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं, तो देख लो कितना डिफरेंस यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, मैं अगेंस्ट द लाइट भी आ जाता हूँ एक बार, आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा 4K 30fps पे वीडियो शूट कर रहे हैं। तो देखो इन शॉर्ट वीडियोस अगर आप लोगों को बनानी है, कंटेंट क्रिएटर होना भाई, एक ही फोन लेना है आप लोगों को आईफोन, सीधा वीडियोस भी इसी से रिकॉर्ड करो। एडिट पीसी पे कर सकते हो, लुमा फ्यूजन नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, मैंने उस पर एडिट वगैरह करी है, 1800 रुपए के आसपास का सॉफ्टवेयर आता है। लेकिन अगर आप एक बार खरीद लोगे ना भाई, एकदम पैसा वसूल है, फिर जिंदगी में आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी लैपटॉप की, काफी टाइम तक भाई 1-1 लाख सब्सक्राइबर भी आप इससे गेन कर सकते हो अगर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, या इंस्टाग्राम पर रील वील काफी ज्यादा लोग इसी से बनाते हैं। इसके माइक की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेटर होती है एज कम्पेयर टू किसी भी एंड्रॉइड फोन से, स्टोरी वगैरह डालना हो गया, एक इकोसिस्टम वाला फीचर है यार। अगर आप लोगों के पास आईपैड है, मैकबुक वगैरह, कॉपी पेस्ट करना हो गया, डायरेक्टली वायरलेसली एज अ वेबकैम यूज करना हो गया, सेकेंडरी कैमरा यूज करना हो गया, 36 तरीके के फीचर है जो कि हम डेडिकेटेड एक वीडियो बना के आपको बता देंगे। और iOS 18 के अपडेट के बाद में ना भाई साइड लोड भी हो जाती है, सो फ्री वरी का कुछ सीन है भाई, देख लेना थोड़ा सा आप फिगर आउट करके, मैं बोल बताऊंगा नहीं ये सब चीजें आप लोगों को, बस ऐसी बता रहा हूं ठीक है, क्योंकि काफी लोग पूछते हैं कि भाई सब कुछ पेड़ तो नहीं है यहाँ पर, तो नहीं ऐसा नहीं है, बट हाँ काफी सारी चीजें खरीदनी भी पड़ जाती है। अब आते हैं इसकी बैटरी लाइफ के ऊपर, तो देखो इसके अंदर 3349mAh की बैटरी मिलती है और 25 वॉट तक की मैक्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है आई थिंक, और इसके अंदर 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग आती है। लेकिन एप्पल का चार्जर 25 वॉट का नहीं आता, वो 20 वॉट का आता है, कोई दूसरा एंड्रॉइड फोन के चार्जर से चार्ज करोगे, हम इसको एंड्रॉइड फोन के चार्जर से चार्ज करते हैं, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉक्स में चार्जर नहीं आता, ना केबल की कभी जरूरत पड़ती है, एंड्रॉइड फोन के आराम से चार्ज हो जाता है, आपको बता रहा हूं ताकि पैसे बच जाए। लेकिन अगर चार्जर खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेस्ट चार्जर्स का लिंक दे रहा हूं, चेक कर लेना। बैटरी लाइफ इसकी यार अच्छी चल जाती है, 5 घंटे के अराउंड एक्सपेक्ट करके चलना मैक्सिमम, और कभी कभार ज्यादा भी दे देगा लाइट यूजेस वगैरह करोगे, बस यही एक्सपेक्ट करके
चलना, कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है तो बिल्कुल ऐसे 8-9 घंटे वाली बैटरी लाइफ नहीं देगा, 5-6 घंटे के आसपास आप एक्सपेक्ट करके चलना। गेमिंग वगैरह करोगे 5 घंटे के आसपास मान लेना, गेमिंग वगैरह में भी अच्छा बैटरी बैकअप ये दे देता है। और चार्जिंग वगैरह भी यार स्लो फील नहीं होती, आराम से फास्ट चार्ज ऐसा लगता है, ऐसा नंबर से बिल्कुल भी सूट नहीं करता क्योंकि इसकी बैटरी एमएच बहुत ज्यादा नहीं है ना, 5000 नहीं है ऐसे, तो जल्दी चार्ज होता हुआ लगता है। बाकी यहाँ पीडी चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो किसी भी पीडी चार्जर से आप चार्ज कर सकते हो, शाओमी, सैमसंग, एप्पल, इन सब चार्जर को सपोर्ट करेगा। और आजकल तो ओप्पो, वीवो के चार्जर्स भी पीडी चार्जर आ रहे हैं। बाकी सॉफ्टवेयर की बात करें तो आप लोगों को पता है भाई iOS 17 के ऊपर अगला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, अब नए वाला iPhone 16 iOS 18 के ऊपर आया है। और iPhone में आप लोगों को पता है भाई 5-6 साल तक के सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलते ही है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, 6-7 साल भाई कहीं नहीं गया आप लोगों का फोन। और अपडेट के बाद कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं कि फोन स्लो हो जाते हैं, लेकिन वो 13-14 वाले अब लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी चीजें रहती है ऊपर नीचे, बट हाँ लॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको मिल जाता है, नए फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन आज की डेट में AI वगैरह नहीं दे रहा एप्पल भाई, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहा है नॉर्मल और प्रो सीरीज के फोन्स को, तो ये एक चीज है। बाकी देखो यार मैं बोलूंगा 50-55 हजार रुपए में कहीं से बुरा फोन नहीं है, बहुत तगड़ी वैल्यू निकाल के देगा आपको, 3-4 साल भी चलाओगे भाई तो भी आप लोगों का आराम से 30 हजार रुपए का तो बिक ही जाएगा। अगर आप लोगों को अगला वीडियो पसंद आया है इसी तरीके से जैसे ये फोन इतना तगड़ा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलो भाई, और इसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां से जो चेकआउट करके इसको बाय कर सकते हो। बहुत ज्यादा पैसा नहीं है ना तो भाई मत लेना, एंड्रॉइड फोन पे भी सेटल कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।